उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के प्रदेश निदेशक सुजीत कुमार ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजीविका मिशन के कार्यों की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मिशन के डिप्टी कमिश्नर अवधेश राम सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजीविका मिशन के निदेशक ने योजना के कार्यों की समीक्षा करते हुए उसके गुणवत्ता पूर्वक संचालन के निर्देश दिए। और सरकार नहीं है उसी नगर बिजनौर बदायूं बुलंदशहर जिनकी कई सारी हमारी ग्राम पंचायतें हैं जिसमें बिल्कुल जीरो चल रहा है। तकरीबन 18,000 हमारे ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर से हमें एक भी फॉर्म नहीं मिला है। ये जनपद तत्काल नोट कर लें कि जहां पर सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं जिनसे हमें फॉर्म नहीं मिला है, हापुड़ में हमें 159 ग्राम पंचायतों में एक भी फॉर्म नहीं मिला है। फरुखाबाद 332 ग्राम पंचायतें हैं, ये जनपद नोट कर रहे हैं। बलरामपुर के डीसी हैं, 409 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर एक भी ग्राम को नहीं मिला है, एक भी बीसी सखी का फॉर्म आवेदन नहीं हुआ है। आपको इसमें करना कुछ भी नहीं है, आपके जो PMS है आप उन GP के नाम जो है यहाँ मुख्यालय से ले लीजिए। वैसे हमने आप लोगों के पास भेज दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। आपको सिर्फ अपने BMS को भेजिए कि इन ग्राम पंचायतों में जाओ, 3-4 महिलाओं का फॉर्म भरवा दो, या आपकी जो PC सखी है सॉरी आपकी जो समूह सखी है और तमाम तरक्या तो चाहे पशु सखी है जो भी आपका कैडर स्ट्रेंथ है वहाँ पे उनको कहिए कि जाके ये फॉर्म भरवा दें। तो ये सूची आप लोगों को भेजी जा चुकी है, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस आप लोग ये सुनिश्चित कर लीजिए कि 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, इससे पहले सभी ग्राम पंचायतों में कम से कम 3 फॉर्म का आवेदन अवश्य हो जाए। मैक्सिमम तो कितने भी जा सकते हैं। इंटरेस्टिंगली एक मुझे ध्यान नहीं रखते जनपद का था, एक ग्राम पंचायत में हमने देखे 59 फॉर्म्स आए हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। इनफैक्ट कुशीनगर का है वो, कुशीनगर का कोई GP है जहाँ पर 59 फॉर्म्स आए। तो अगर ये कुशीनगर जैसे जनपद के किसी एक ग्राम पंचायत से 59 फॉर्म्स आ सकते हैं तो मुझे कोई रीजन नहीं समझ में आता कि हापुड़ या फिर सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो स्कूल ड्रेस को लेकर के है। स्कूल ड्रेस को आप सभी लोग जान रहे हैं कि सभी जनपदों को टारगेट दिए गए थे और आप अधिकांश जनपदों ने हमने इसमें यह भी देखा कि बहुत अच्छा प्रयास किया है। उन्होंने जो BSES के माध्यम से अच्छा खासा टारगेट उनको स्टिचिंग का मिल चुका है। अभी तक तकरीबन हमें 80 लाख स्कूल ड्रेसेस का टारगेट मिल चुका है, 1 करोड़ के सापेक्ष 80 लाख मिल चुका है। परंतु कई जनपदों को हम लोगों ने जितना टारगेट यहाँ पे दिया या जितना उनके यहाँ पोटेंशियल है, पोटेंशियल का अर्थात आपके यहाँ जितनी महिलाएं हैं जो स्टिचिंग का कार्य करती हैं, उस हिसाब से BSES ने आप लोगों को टारगेट नहीं दिया है। ये टारगेट जो है आपको SMEC से डायरेक्टली लेना है जो स्कूल कमेटी है, परंतु इसमें आपको BSES और ABSES का सहयोग लेना पड़ेगा। और इसके लिए आपके स्टूडियो से लगातार हम लोगों ने कई राउंड में बात की है। मैंने ये देखा कि जहाँ पर भी स्टूडियोज ने और DCNRLF ने इनिशिएटिव लिया है वहाँ पर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। कल मुझे गाजियाबाद की सीडियो मैडम ने फोटोज भेजे थे कि उन्होंने स्कूल ड्रेस का शायद आवंटन शुरू कर दिया है या बच्चियों को स्कूल ड्रेस पहनाते हुए। तो अगर कुछ जनपदों में हो रहा है तो बाकी जनपदों में भी हो जाना चाहिए, जिसमें जिन जनपदों के यहाँ बहुत ही खराब स्थिति है। पहला महाराजगंज, DC महाराजगंज, ऑर्डर कितना मिला है 36 महाराजगंज आइए। और सर आज मीटिंग होने वाली, कल मैंने मीटिंग कराया था, DM साहब नहीं थे, आज फाइनल मीटिंग कराया कि मुझे ऑर्डर मिल जाएगा सब स्कूलों का 5,000 का ऑर्डर तो हम मिल गया क्योंकि सब सुबह 8 बजे तक ये कपड़ा का व्यवस्था करा सर स्कूल जल्दी कराएंगे। देखो इसमें यार आपको मीटिंग एक बार DM साहब और CDO के साथ करवा लीजिए, फिर उसके बाद रेगुलर फॉलो अप आपको ही करना होगा।
सीडीओ साहब को ज्यादा ग्रुप में रखिए, डीएम साहब के पास तो समय नहीं रहेगा इतना, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अपर मुख्य सचिव साहब के यहाँ से डीएम साहब को फोन चला जाए, कई जनपदों को गया भी है, परंतु सीडीओ से इस तरह से अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है आप हमें बताइए, हम लोग उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। इनफैक्ट बेसिक शिक्षा विभाग भी इसके लिए लगातार अपने बीएसएस को फोन कर रहा है कि आप लोग उनको ऑर्डर प्लेस करिए, तो कहीं धनराशि मुझे लगता है बीएसएस आपको सब जगह मिल चुकी है, अगर कहीं पर कोई बीएसएस ये कहे कि उसको धनराशि नहीं मिली आप हमें बताइए, धनराशि 100% जा चुकी है, हमें बता रहे हो कि 5000 मिला, ये संख्या बहुत कम है, इसको आप इम्प्रूव कराइए। आपके यहाँ जो टोटल बच्चों की संख्या है वो 215000 है, मतलब करीब करीब आपके यहाँ 430000 ड्रेसेस बनने हैं, तो उसमें यार 2.5 लाख का टारगेट तो बहुत बड़ा नहीं है, आप ये अचीव कर सकते हैं, आपको इनिशिएटिव लेने की जरूरत रहेगी।